गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमारे पिछले वीडियो में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के बारे में आपने अध्ययन किया होगा और सभी छात्रों ने इस पर नोट्स बना लिए होंगे। आगे हम इस पर कुछ क्वेश्चन और करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स को अन्य त्रिकोणमिति फलन कॉस, टेन इनवर्स एवं कॉट इनवर्स में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है। सबसे पहले हम देखेंगे साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों मान लो साइन इनवर्स एक्स इक्वल थीटा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब हम एक समकोण त्रिभुज लेके चलते हैं, इसमें हम क्या देखते हैं, इसको एक्स अपॉन वन मान लेते हैं। तो एक्स क्या है, लंब, और एक क्या है, कर्ण। तो लंब कितना हो गया x और कर्ण कितना हो गया एक, तो आधा कितना हो जाएगा, कर्ण के वर्ग में से लंब के वर्ग को घटा दिया और उसका वर्गमूल ले लिया। अच्छा है, तो क्या हो जाएगा cos थीटा बराबर, ये थीटा एंगल है तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, वर्गमूल वन माइनस एक्स स्क्वायर, और कर्ण कितना है एक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह भी थीटा है और यह भी थीटा है, इसलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह सिद्ध होता है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉस इनवर्स रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम देखते हैं साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कैसे होता है। अभी हमने देखा कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लिया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा एक्स, एक्स यानी एक्स अपॉन वन, लंब बट्टे कर्ण बराबर एक्स अपॉन वन, इसलिए लंब कितना है बराबर x और कर्ण कितना है बराबर 1। तो आधार कितना हो जाएगा, रूट कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। अब हम देखते हैं tan थीटा का मान देखते हैं, तो tan थीटा कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है x और आधार कितना है रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो यह थीटा है और थीटा का मान साइन इनवर्स एक्स दिया है, इसीलिए साइन इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स एक्स अपॉन रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया बच्चों। बट अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, जिसमें हमको सिद्ध करना है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये तीन क्वेश्चन हैं, इसमें पहला देखेंगे तो हम सबसे पहले टेन इनवर्स एक्स बराबर थीटा लेके चलेंगे और टेन इनवर्स वाई बराबर फाई लेके चलते हैं। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा टेन थीटा और वाई बराबर टेन फाई। अब ये फार्मूला होता है टेन थीटा प्लस फाई बराबर टेन थीटा प्लस टेन फाई अपॉन वन माइनस टेन थीटा टेन फाई। अब टेन थीटा का मान कितना है एक्स है, टेन फाई का मान वाई है, और नीचे रख देंगे वन माइनस टेन थीटा टेन फाई का मान क्या है एक्स इंटू वाई। तो टेन को हम राइट में ले जाएंगे, थीटा प्लस फाई बराबर कितना हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। अब थीटा का मान वापस रख दो, थीटा कितना है टेन इनवर्स एक्स के और फाई किसके बराबर है टेन इनवर्स वाई के। तो कैसे दो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई, और एक्स वाई के स्थान पर माइनस वाई रखने पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन भी हम देख लेंगे, इसमें कंडीशन ये है कि अगर एक्स वाई का मान एक से ज़्यादा है तो एक्स वन माइनस एक्स वाई जो है निगेटिव हो जाएगा, इसलिए इसमें
नेगेटिव।